हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुनीश भारद्वाज ओम पुश क्लासेस कंपटीशन वेंचर ऑफ एससीए धर्मशाला में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का मेरा लेक्चर है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था डिस्टेंस फॉर्मूला, और अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला। क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्टेंस फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला में क्या फर्क है। बेटे, डिस्टेंस फॉर्मूला में हम डिस्टेंस निकालना सिखाते हैं दो चीजों के बीच का। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको किन दो चीजों के बीच का डिस्टेंस निकालना सिखाया था? दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना सिखाया था, पॉइंट और लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना सिखाया था, और दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना सिखाया था। और अब हम आपको सिखाएंगे सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में हम आपको क्या सिखाते हैं बेटे? सेक्शन फॉर्मूला में हम आपको किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सिखाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला में हम क्या सिखाएंगे? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सिखाएंगे, बशर्ते वो पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट के की जॉइनिंग, जो कि एक लाइन होती है, के बीच में हो, या उन दो पॉइंट की जॉइनिंग के बाहर हो, या उन दो पॉइंट की जॉइनिंग के मिड में हो। मैं दोबारा से बता रहा हूं, सेक्शन फॉर्मूला में मैं क्या सिखाऊंगा आपको? किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सिखाऊंगा। हो सकता है वो पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट, यानी दो पॉइंट आपको दिए होंगे, उनकी जॉइनिंग करूंगा, जो कि एक लाइन होती है। हो सकता है वो पॉइंट जिसके जिसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं दो पॉइंट के बीच में हो सकता है दो पॉइंट की जॉइनिंग के बाहर हो सकता है दो पॉइंट की जॉइनिंग, जो कि लाइन होती है, उसके मिड में हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंटरनल डिवीजन। अब आप बोलेंगे, सर ये इंटरनल डिवीजन क्या है? इंटरनल डिवीजन मतलब, जैसे बेटे पहले मैं आपको यहां बना के दिखा रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक ए पॉइंट है, मेरे पास एक बी पॉइंट है, और किसी पॉइंट पी आया, जैसे ए और बी को मिलाया तो एक लाइन बन गई ए बी, और एक पॉइंट पी आया और इस पी पॉइंट ने ए बी को, अब बताइए क्या कर दिया? ए बी को डिवाइड कर दिया, दो पोर्शन कर दिए ए बी लाइन के। एक पोर्शन कौन कर दिया? ए पी। और एक पोर्शन पी ने कौन कर दिया? पी बी। तो इसने क्या किया? सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला का सेक्शन नाम क्लियर कर रहा हूं मैं, कि पी पॉइंट ने क्या किया है अभी तक। पी पॉइंट ने आपकी ए बी लाइन के सेक्शन बना दिए हैं। एक सेक्शन बना दिया है ए पी सेक्शन बना दिया है, और एक सेक्शन क्या बना दिया है? पी बी सेक्शन बना दिया है। दूसरी चीज मैं सिखाना चाहूंगा आपको कि जैसे ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ए और बी को ज्वाइन कर दिया तो एक ए बी लाइन बन गई। मान लीजिए जो ए बी लाइन है, इसकी लेंथ जो है वो मान लीजिए 10 है। ए बी लाइन की लेंथ 10 है, मतलब ए बी की लंबाई 10 है, और पी पॉइंट ने ए बी को डिवाइड कर दिया, मतलब उसने ए बी लाइन के सेक्शन बना दिए। एक सेक्शन ये बना दिया, एक सेक्शन ये बना दिया। अब हो सकता है कि पी ने ए बी लाइन के जो सेक्शन बनाए हैं उसमें से हो सकता है ये सेक्शन आपका 3 है, मतलब ये डिस्टेंस ए पी डिस्टेंस 3 है, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि पी बी डिस्टेंस कितना होगा? 7। तो यहां पे मैं ये कह सकता हूं कि पी पॉइंट ने ए बी लाइन को डिवाइड किया है, अंदर डिवाइड किया है, इंटरनल डिवाइड किया है इन द रेशियो 3:7। और यहां से हम आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सिखाएंगे। जैसे हमने फिगर में लिया हुआ है यहां पे कि पी पॉइंट जो है, अब पी पॉइंट क्या कर रहा है यहां पे? ए और बी जो कि दो पॉइंट है, इनकी जॉइनिंग हुई है, जो कि एक ए बी लाइन बनी है, और पी पॉइंट ए बी लाइन के अंदर किस रेशो में काट रहा है? ए बी लाइन को, m:n में। तो यहां से मैं आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना सिखा रहा हूं। और बेटे पी ए बी को इंटरनल डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो m:n, तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? m:, यहां से लेना है आपने m:, यहां का x कोऑर्डिनेट क्या है? x3। तो m:x2 आ गया, आप देख रहे होंगे, प्लस n:, यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है? x1। तो n:x1 आ गया, आप देख रहे होंगे, और ओवर में इन दोनों का सम, m और n का सम m+ है। ये p पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। अब p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो m:, इस पॉइंट का y y कोऑर्डिनेट ले लो, जो कि y2 है। तो m:y2 आप देख रहे हैं, प्लस n:, यहां का y कोऑर्डिनेट ले लो, कौन है? y1। तो n:y1 ओवर दोनों का सम। तो इस तरह से हमने p पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले। अब इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक लाइन है, उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ए है, और मैंने मान लिया कि ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1, 2 है, और इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट बी है, और मैंने मान लिया कि बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है वो 5, 6 है, और मैंने कहा कि एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट मैंने पी लिया, और ये पी पॉइंट आप देख रहे होंगे, पी पॉइंट ए बी लाइन को अंदर काट रहा है।
अंदर काट रहा है, मान लो किस रेशो में काट रहा है, मैं मान लेता हूं कि ये 3 है और ये 2 है। तो कोई आपसे पूछे क्या आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, लेकिन पहले मैं ये कहूंगा कि यहां पी पॉइंट कर क्या रहा है, यहां पी पॉइंट ए बी लाइन को इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 3:2, और यहां से मैं आपको पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल के दिखाऊंगा। फॉर्मूला याद नहीं कराऊंगा, सिर्फ समझाऊंगा, और आपने समझना ही है जिस तरह से मैंने फिगर बनाई है। तो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, 3 into यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है 5, तो 3 into 5 कितना हो गया 3 into 5 15 प्लस 2 into यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है 1, और 2 into 1 कितना हो गया 2, और ओवर में क्या लिखना है इन दोनों का 3 और 2 का सम जो कि कितना है 5, ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, 3 into यहां का y कोऑर्डिनेट कौन है 6, तो 3 into 6 कितना होता है 18 प्लस 2 into यहां का y कोऑर्डिनेट कौन है 2, तो 2 into 2 4, ओवर में क्या लिखूंगा बेटे इन दोनों का सम, और 3 और 2 का सम कितना आ गया 5। तो इस तरह से P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो कितना आ गया 15 plus 2 17/5 और कॉमा 18 और 4 हो गया 22 और 22/5। तो इस तरह से बेटे ये हमने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। मतलब सेक्शन फॉर्मूला में आपने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा कि कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट की जॉइनिंग जो कि एक लाइन होती है, उस लाइन को अंदर अगर किसी रेशो में काट दे तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। तो ये हमने बताई आपको इंटरनल डिवीजन, इसे इंटरनल क्यों बोल रहे थे क्योंकि P पॉइंट AB लाइन को अंदर काट रहा था। आगे चलते हैं, अब आगे आप देख रहे होंगे नंबर 2 पे मैं आपको बता रहा हूं एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है बेटे, कभी मैं आपको ये कह दूं कि कोई पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट है और वो पी पॉइंट ए बी लाइन को, पी पॉइंट ए बी लाइन को बाहर काट रहा है, बाहर मतलब एक्सटर्नल काट रहा है इन द रेशो एम इज टू एन। क्या बोला, फिर से मैं बोल रहा हूं कि कोई P पॉइंट AB लाइन को बाहर काट रहा है M is to N और आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताओ, और इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, सेक्शन फॉर्मूला की। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं बशर्ते वो पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट की जॉइनिंग को अंदर काटे या बाहर काटे, हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो यहां मैं फिर से बोल रहा हूं कि P पॉइंट AB लाइन को बाहर काट रहा है M is to N, इसका मतलब लेके आएंगे आप कि P पॉइंट AB लाइन को अंदर काट रहा है, उसने बोला था एक्सटर्नल काट रहा है M is to N, तो आपने लिख देना है इंटरनल काट रहा है M is to minus N, और उसके बाद आप P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लोगे जैसे मैंने पहले सिखाए। आइए फिगर के ऊपर, अब अभी मैं क्या कह रहा हूं कि P AB को इंटरनल काट रहा है M is to minus N, तो ये देखिए जी, ये मेरे पास A पॉइंट है, ये मेरे पास B पॉइंट है और ये मेरे पास P पॉइंट है, और आप देख रहे हैं P पॉइंट AB लाइन को अंदर काट रहा है किस रेशो में, M is to minus N रेशो में। उसने हमें दिया था P AB को बाहर काट रहा है M is to N और मैंने उसको बना दिया P AB लाइन को अंदर काट रहा है M is to minus N, और यहां से मैंने P के कोऑर्डिनेट बताने हैं, P का x कोऑर्डिनेट भी बताना है और P का y कोऑर्डिनेट भी बताना है। वैसे ही पीछे की तरह P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, M into यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है x2, M into x2 आप देख रहे हैं लिखा है मैंने प्लस, लेकिन यहां माइनस एन है इसलिए क्या हो जाएगा माइनस एन इंटू यहां का एक्सपोनेंट कौन है x1, तो क्या आ गया माइनस एन x1, ओवर में m और माइनस एन का सम जो कि m माइनस एन हो जाएगा, ये एक्सपोनेंट आ गया। ऐसे p पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, m इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट कौन है जी y2, क्या आ गया m y2, प्लस होता है लेकिन यहां माइनस एन है इसलिए माइनस एन इंटू यहां का y कोऑर्डिनेट कौन है y1, तो माइनस एन y1 आ गया, ओवर में m और n का सम। इसके ऊपर हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं, क्वेश्चन करके दिखाते हैं और क्लियर हो जाएगा आपको कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको कभी कहा मैं तो फेयर फिगर बनाऊंगा, फाइनल फिगर बनाऊंगा, लेकिन मान लो मैंने आपको कहा कि एक ए पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 1, 2 और एक बी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट है मान लीजिए 3, 4 और हमने आपको कहा कि जो पी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट है पी, उसके कोऑर्डिनेट आपने निकालने हैं और पी पॉइंट ए बी लाइन को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है, एक्सटर्नल मतलब बाहर डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:2, तो इसका आप क्या मीनिंग लेके आएंगे कि P पॉइंट जो है वो AB लाइन को अंदर काट रहा है, मतलब इंटरनल काट रहा है
इन द रेशियो 1:2 तो यहां से हम P पॉइंट के क्वाड्रेंट निकालेंगे। फिगर बनाई, A पॉइंट मैंने दिया है, B पॉइंट मैंने दिया है और मैंने कहा था कि P पॉइंट AB को बाहर काट रहा है 1:2, इसका मतलब P पॉइंट AB लाइन को अंदर काट रहा है 1:-2 और यहां से मुझे P पॉइंट के क्वाड्रेंट निकालने हैं। मैं आपको समझा रहा हूं, फॉर्मूला नहीं याद करा रहा हूं, समझा रहा हूं। ऐसे बनाना है आपने, 1 से एरो और -2 से इस साइड में एरो बनाना है। अब P पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, 1:2 यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है 3, तो 1:3 कितना आ गया 3, उसके बाद होता तो प्लस है, प्लस लिख दिया और फिर -2 यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है 1, -2 × 1 क्या हो जाएगा -2, तो 3 प्लस -2 और ओवर में दोनों का सम और 1 और -2 का सम, 1 में -2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -1। ये P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ गया। ऐसे P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटे, 1:2 यहां का y कोऑर्डिनेट 4 है, तो 1:4 क्या हो गया 4 प्लस और फिर -2 यहां का y कोऑर्डिनेट कौन है 2 और -2 × 2 क्या हो जाएगा -4 ओवर में क्या आ गया -1। तो इस तरह से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, 3 में से 2 गया 1 ओवर -1 और 4 और -4 का सम हो गया 0, 0 ओवर -1। तो इस तरह से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ गए, 1 ओवर -1 क्या आ गया -1 और 0 ओवर समथिंग क्या होता है 0। तो इस तरह से मैंने P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल दिए जब वो P पॉइंट किसी AB लाइन को बाहर काट रहा था 1:2 और फिर मैंने कैसे सिखाया कि बाहर काट रहा था 1:2 तो अंदर काटेगा 1:-2। आगे स्टार्ट करते हैं नंबर 3 पे, मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम स्टार्ट करेंगे मिड पॉइंट फार्मूला। अब मिड पॉइंट फार्मूला में बेटे क्या है कि जैसे कोई आपके पास लाइन है, लाइन के ऊपर मैंने आपको एक पॉइंट दिया है ए और लाइन के ऊपर एक दूसरा पॉइंट दिया है बी और मैंने आपको कहा कि इस ए बी लाइन की जो लेंथ है वो मैं कह रहा हूं, सपोज कर रहा हूं कि इस ए बी लाइन की जो लेंथ है वो 10 है और अब मैं आपको कह रहा हूं, पहले मैंने सिखाया कि P पॉइंट AB को अंदर काट रहा था, फिर मैंने कहा P पॉइंट AB को बाहर काट रहा था, बाहर से फिर मैं अंदर ले आया था रेशो चेंज करके। अब मैं कह रहा हूं कि P पॉइंट AB को अंदर काट रहा है लेकिन मिड में काट रहा है, पहले मैंने अंदर लिया था लेकिन मिड में नहीं लिया था, अब मैं कह रहा हूं P AB को अंदर काट रहा है लेकिन मिड में काट रहा है और मिड में काटेगा। अगर AB की लंबाई मैंने 10 ली है तो ये AP पोर्शन कितना हो जाएगा 5 और PB पोर्शन भी कितना हो जाएगा 5 और दोनों पोर्शन अगर 5 हैं तो रेशियो क्या आ जाएगी 5:5 और कट के रेशियो क्या रह जाएगी 1:1। तो बेटा ध्यान रखना, कभी भी हम आपको ये कह दें कि कोई पॉइंट किन्हीं दो पॉइंट की जॉइनिंग, और आपको पता होना चाहिए दो पॉइंट की जॉइनिंग एक लाइन होती है और उस लाइन को कोई पॉइंट P बिल्कुल मिड में काट रहा है तो रेशियो हमेशा हम क्या लेते हैं 1:1 लेते हैं और वहां से हम P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। क्योंकि P AB के मिड में है इसलिए P को हम मिड पॉइंट बोलते हैं और यहां से जो P के कोऑर्डिनेट निकलते हैं उसे हम मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोल देते हैं। अब जैसे आप यहां देखिए, यहां P मैंने बिल्कुल AB के मिड में लिया हुआ है तो रेशियो मैंने क्या ले रखी है 1:1। अब P पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अब P पॉइंट उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, एक x कोऑर्डिनेट होगा और एक y। अब x कोऑर्डिनेट होगा तो कैसे निकालेंगे, जैसे पहले सिखाया 1:1 यहां का x कोऑर्डिनेट कौन आ गया x2, तो 1:x2 आ गया आप देख रहे हैं प्लस 1:1। अब 1:1 यहां का y x कोऑर्डिनेट कौन है x1, तो 1:x1 क्या आ गया 1:x1 ओवर 1 और 1 का सम कितना आ गया 2। अब y कोऑर्डिनेट निकालना है तो 1:1 यहां का y कोऑर्डिनेट कौन है y2, तो 1:y2 आ गया प्लस 1:1 यहां का y कोऑर्डिनेट क्या आ गया y1, 1:y1 आ गया ओवर 1 और 1 का सम क्या आ गया 2। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपको लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हैं, एक A पॉइंट दिया है और एक B पॉइंट दिया है, A के कोऑर्डिनेट मान लीजिए 1 और 2 हैं और B के कोऑर्डिनेट जो है 3 और 4 हैं और मान लीजिए P पॉइंट जो है वो AB का मिड पॉइंट है और आपको पता है अगर P AB का मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या होगी 1:1 होगी और P पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो मैं ये बता रहा हूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाएंगे, बोलो 1:1 यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है 3, तो 1:3 कितना आ गया 3 प्लस ये वाला 1, 1:1 यहां का x कोऑर्डिनेट कौन है 1, 1:1 1 और ओवर में 1 और 1 का सम
टू, ये पी का एक्सपोनेंट आ गया। इसी तरह से वन इंटू यहां का वाई कॉन्ट कौन है, फोर, वन इंटू फोर फोर आ गया, प्लस ये वाला वन, वन इंटू यहां का वाई कॉन्ट कौन है टू, वन इंटू टू टू, ओवर में वन और वन का सम आ गया टू, ठीक है जी। और इस तरह से पी पॉइंट के कॉन्ट आ गए थ्री प्लस वन फोर बाय टू, टू आ गया, और फोर प्लस टू सिक्स बाय टू थ्री आ गया। अच्छा मैं एक चीज इसमें और एडिशन करना चाहता हूं आपके लिए कि जब पी ए बी का मिड पॉइंट है तो आपको इस तरह से एरो बनाने की भी जरूरत नहीं है। जब मैं आपको यह कह रहा हूं कि पी ए बी का मिड पॉइंट है और आप पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो, तो सीधा शॉर्टकट आप याद रखिए कि अगर पी ए बी का मिड पॉइंट है तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो दो पॉइंट आपको दिए हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय टू। एक्स कोऑर्डिनेट कौन है यहां, वन और थ्री, तो वन प्लस थ्री उनके एक्स कोऑर्डिनेट का सम बाय टू, और उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा पी पॉइंट का, अगर पी मिड पॉइंट है ए बी का तो ए और बी के वाई कोऑर्डिनेट जो है, कौन है वाई कोऑर्डिनेट, ए का वाई कोऑर्डिनेट कौन है टू और बी का कौन है फोर, तो टू और फोर का सम बाय टू, उनके वाई कोऑर्डिनेट का सम बाय टू, और यहां से हमारा आंसर आ गया, वो देख रहे हैं आप, वन प्लस थ्री फोर बाय टू टू आ गया, टू प्लस फोर सिक्स बाय टू थ्री आ गया। तो इस तरह से मैंने आपको आज सेक्शन फॉर्मूला पढ़ाया है। सेक्शन फॉर्मूला में मैंने बेटे आपको क्या बताया है कि कोई पॉइंट अगर किन्हीं दो पॉइंट की जॉइनिंग, जो कि एक लाइन होती है, लाइन के कहीं अंदर हो तो भी हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, कोई पॉइंट दो पॉइंट की जॉइनिंग जो कि लाइन होती है उसके बाहर हो तो भी हम उसके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, या पी पॉइंट दो पॉइंट की जॉइनिंग जो कि लाइन होती है उसके मिड में हो तो भी उसके हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि सेक्शन फॉर्मूला में हम किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, बशर्ते वो पॉइंट के बाहर हो, दो पॉइंट की जॉइनिंग के बाहर हो, अंदर हो या मिड में हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।